तो एक्चुअली यार पता क्या हुआ, इंटरनेट एयरपोर्ट का चल नहीं रहा, क्योंकि एयरपोर्ट का जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए वो कह रहा है मोबाइल नंबर डालो और उस पर आपको पिन भेजेंगे। कोई पिन नहीं आ रहा मेरे पास, दो दो सिम है, मैंने दोनों डाल के देख लिया, कोई पिन नहीं आया। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ईमेल से भी रजिस्टर कर सकते हो। अब ईमेल डाला, ईमेल पे पिन तो भेज दिया, लेकिन ईमेल चेक कैसे करना है बगैर इंटरनेट के? होस्टल का एक स्क्रीनशॉट ले लिया था एड्रेस का, चलने से पहले मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा मुझे इस जगह जाना है। कहते आप टैक्सी लो, मैंने कहा टैक्सी मैं नहीं लूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बताओ कोई। कहते कि आप एक काम करो, आप ट्रेन से चले जाओ, बस भी जाती हैं यहाँ, बस टर्मिनल भी है यहाँ, लेकिन बसें डायरेक्टली नहीं जाएंगी जिस जगह मेरे को जाना है। मेरे को रोज़ बैंक जाना है, तो आप ट्रेन ले सकते हो, ट्रेन डायरेक्टली रोज़ बैंक में ही पहुँचाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार इंटरनेट चल पड़ा। एक्चुअली पता क्या था, वो जो मेल था ना, आप मेल डालते हो तो उस पर लिंक विंक भेजता है, वो सिर्फ लिखा ही है कि लिंक भेजता है, कोई लिंक नहीं भेजेगा। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, आपका इंटरनेट चल पड़ेगा। तो जी ये है मेरे सामने एयरपोर्ट का अराइवल सेक्शन। एक्चुअली ये एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लग रहा है, ये देखो ना। और ऊपर ही है गौतेंग ट्रेन, यहाँ की जो ट्रेन है ना मेट्रो को गौतेंग ट्रेन बोलते हैं। ये गौतेंग रोज़ बैंक स्टेशन पे उतरूँगा, वहाँ से 600 मीटर चलूँगा तो मेरा हॉस्टल है। ये मेट्रो की टिकट ले ली। एक्चुअली यहाँ टिकट नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ कार्ड मिलता है मेट्रो का। और पता है 1000 रुपये की टिकट है यहाँ से, 200 रैंड की, जो यहाँ से मेरे को रोज़ बैंक लेकर जाएगी। मतलब 1000 कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए यार। और टैक्सी से अगर आप रोज़ बैंक जाते हो तो टैक्सी से आपको लगेंगे 300 रैंड, ठीक है, मतलब 1500 रुपये। और बसें तो चलती नहीं है, तो बस यही है सर्विस आपको सिटी सेंटर तक जाने की। मुझे दो ट्रेन पकड़नी है यहाँ से, दो चेंज करनी है। रोज़ बैंक ट्रेन हमारी बिल्कुल एक्सप्रेस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह है। सिर्फ फ़र्क इतना है, वहाँ से अगर दिल्ली से आप सिटी सेंटर जाते हो तो 50 रुपये लगते हैं और यहाँ से 1000 रुपये। Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. और यहाँ से ट्रेन बदलनी है, सेंटन स्टेशन है और रोज बैंक के लिए बदलनी है। तो बंदे तो है ही नहीं, ना टूरिस्ट है ना कोई लोकल बंदे हैं यहाँ। कोई या तो पता नहीं इस्तेमाल नहीं करता है मेट्रो, पता नहीं क्या है। ये देखो पूरे इस प्लेटफॉर्म पे 5 बंदे हैं। ये देखो अभी आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये रेड लाइन है ना, तो रेड लाइन दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ लाल लाल रंग की लाइटें मारी हुई हैं ऊपर से। ये ऊपर रेड कलर की लाइट्स लगा रखी हैं और प्लेटफॉर्म पे रेड कलर की लाइट है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो ये है जी मेरा मेट्रो स्टेशन जहाँ उतारा है रोज बैंक का, और यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है यार अभी। तो जी शाम के बज चुके हैं 4 या 5, मेरे साथ दो हॉस्टल के जो लोकल्स हैं यहीं साउथ अफ्रीका के, वो मेरे को बाहर लेकर आए हैं। मैंने उनको बताया तो ये मदद करेगी मुझे कुछ चीज़ें दिखाने के लिए और सिम कार्ड और कुछ मनी एक्सचेंज करवानी है मेरे को। सो विद मी टू पीपल फ्रॉम जस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नेम इज डेसमंड।
That's good. And Vanessa. And Vanessa, yes. Nice to meet you, nice both of you. And our pleasure to actually, you know, show you around. Yeah, yeah. Thank you so much. So this is an art gallery? This is Adkeys Mart. So okay. With Adkeys, here you find galleries, restaurants, cafes. And then as you go up the stairs here, you'll find some of the premium event spots and nightclubs. Okay. So even there's like a piece of art right here. Yeah. And that one there. Okay. Just okay. Opposite to other art gallery. You see, today it's quiet. It's beautiful. No, it's come here on the first Thursday of the month. Really? Uh-huh. You will not have a space to park. It won't be a two-way street. Oh. Super busy. Yeah. So yeah. This is one of the busiest places when the sun goes down. Oh, okay. Yeah. Okay. So, yeah, I mean, just like I was telling you in a metro, there were just few people, like four or five people. So, ये भी ये बता रहे हैं, कहते हैं ये most busiest place है. अगर आप सही time पे आओगे, यहाँ को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी. ये parking slot है, यहाँ तो गाड़ियाँ लगी होती हैं लोगों की. लेकिन आज बड़ा खाली बड़ा हुआ है. Restaurants हैं. ये Rose Bank, this is a Rose Bank area, right? Yes, this is Rose Bank. ये Rose Bank का city center है एक तरह का. आप इसको city center बोल सकते हो. और ये बता रहा था मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है साउथ अफ्रीका. मतलब काफ़ी कम लोग हैं, टूरिस्ट काफ़ी कम है, लोग भी काफ़ी कम है. टूरिस्ट क्या, मैं तो लोगों की पहले बात करता हूँ. लोग भी सड़कों पर काफ़ी कम है, आप देख सकते हो, कोई इतना है नहीं. और ये जो ये देखो घर अच्छे हैं काफ़ी, जो जैसा आर्ट हुआ है यहाँ. तो जो मेन जोहान्सबर्ग है ना, वो इस जगह से जो सिटी सेंटर है वो 10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर है. और कहते हैं कि वो ज़्यादा रश वाला एरिया है. दैट्स मोर बिजीएस्ट. यार मैं एक बार बताता हूँ, साउथ अफ्रीका का जो पहला इंप्रेशन है ना, बहुत बढ़िया है. कितनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें अच्छी हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स हैं सारी. रश ज़्यादा है नहीं लोगों का. मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहली नज़र में. हालांकि मुझे पता था कि अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा साउथ अफ्रीका ये नहीं पता था. ये स्टोर ढूंढने के लिए ना आप यहाँ नाम डालो और आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा. तो करेंसी एक्सचेंज वाला तो बंद हो गया था, वो 4 बजे बंद हो जाता है यहाँ. और अब मैं जा रहा हूँ अपना सिम कार्ड लेने के लिए. एक MTN है, एक वोडाफोन है, एक टेलीकॉम है, एक आधा कोई और है, लेकिन जो बेहतर सर्विस है वो MTN की है. तो एक ये सेल नाम की कंपनी है जहाँ से मुझे 10 GB का डेटा मिल रहा है सिर्फ 60 रैंड में. मतलब वोडाफोन में पता किया था 200 रैंड में 3 GB है. टर्कसेल में गया था, उनके भी 200 रैंड में 3 GB है, लेकिन यहाँ 300 रैंड में 10 GB मिल रहा है. मुझे नहीं पता इसमें कैच क्या है, या पता नहीं चलेगा अभी कितना. What's it? Yeah. No, we're just discussing our local things. Okay. Yeah. Always on the go and asking for the guest Wi-Fi password. So that you can switch. तो भाई सिम कार्ड फ्री मिल गया यार, और फ्री इंटरनेट उसमें मिल गया, कोई पैसा नहीं देना पड़ा. और मेरे को देखते देखते इन भाई साहब ने भी ले लिया. So you also took it? Yeah. Very good. I needed to use it for my router. Yeah, very good. I decided, you know what? While I'm here, let me just get done with it. And you can add. Yeah, you can add to it. As it finishes, you just add. Well, it's a good sign. I mean, it's very fortunate that we found it. Yeah, it's good service. It's just that some stores are a bit less popular than others, so people don't really look at it. Oh yeah, that's right. So, and you find that they have great deals, and the popular stores do not have. Absolutely, anything. I agree. This is a very good point. It is. So वही है ना, कहते हैं कि जो कुछ जैसे जो ज़्यादा पॉपुलर स्टोर्स नहीं होते ना, उनके पास कई बार बहुत अच्छी डील्स होती हैं, बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं. हम हमेशा MTN और वोडाफोन का ही नाम लेते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी कंपनियां भी बैठी हैं, इसलिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को हर जगह रखने के लिए ये फ्री सिम कार्ड दे रहे हैं. तो साउथ अफ्रीका अब जैसे ये भी है 500 रैंड का, इसमें 15 GB है डेटा.
तो सही है ना, आप मतलब आओ साउथ अफ्रीका में और सेल कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करो, फ्री मिल जाएगा। रोज़ बैंक मॉल है इसकी लोकेशन जहाँ से मैंने लिया है, और आप भी आगे ले सकते हैं। ये है इनकी सबसे बड़ी सुपर मार्केट चेकर्स यहाँ की। एप्पल का बैग 17 रैंड का है सिर्फ, ये पूरा वाला, ये वाला एप्पल नहीं, ये 5 रैंड का है यार, ये तो बड़ा सस्ता है, 25 रुपये के हैं, वाह। और ये ग्रीन वाले 30 के हैं। लो जी, शॉपिंग मैंने कर ली थी, मेरा कुल मिला के जो बिल आया ना वो आया 92 रैंड का। उसमें मैंने ब्रेड ली है, पेप्सी ली है, चीज़ लिया है, और कुछ सब्जियां ली हैं, टमाटर और प्याज लिए हैं, फिर मैंने और क्या लिया, और हाँ दही लिया है। तो ये कुल मिला के सारी आइट में 92 रैंड्स की आ गई, मतलब 450 रुपये की, ठीक है। तो मतलब चीज़ें आपको बता देता हूँ, वैसे ही जो ब्रेड है यहाँ है 80 रुपये की, बहुत बड़ी ब्रेड है यार, वो इंडिया से 3 गुना बड़ी है, वो जो नॉर्मल साइज़ आप देखते हो ना 40-50 वाली ब्रेड। फिर उसके बाद पेप्सी है, दही महंगा है यहाँ, दही मैंने 90 रुपीस का आधा किलो लिया है। फिर चीज़ स्लाइसिस भी 100 रुपये के हैं, और टमाटर प्याज सब वैसे ही। हाँ एप्पल बड़े सस्ते हैं यार, एप्पल यहाँ मेरे को 50 रुपये के 10 पीस मिले हैं, 50 रुपये के 10 पीस, तो वो मैं आपको जो दिखा रहा था। तो ऐसी सारी आइटम था, तो बस अभी हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल को। मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कहते हैं अगर आपने कहीं भी जाना है ना, कोशिश करना बंदा आपको पता लग जाएगा जो गलत तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, उससे बात नहीं करनी। तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर रहे हैं यहाँ पर।